देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। रामनगर औद्योगिक संगठन के निदेशक देव भट्टाचार्य द्वारा आज सुंदरपुर स्थित राजेंद्र विहार कॉलोनी में ओमकार भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें निदेशक देव भट्टाचार्य ने बताया कि कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। 19 तारीख को हिंदू पक्ष योद्धा का अभिनंदन समारोह, जो कि अपने आदरणीय विष्णु शंकर जैन और काशी विश्वनाथ मंदिर को भी उन्होंने मुक्त कर दिया है, जिसका भव्य रूप अभी हम लोग सब रूप देख रहे हैं, तो कहीं उन्हीं का हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। इसमें अपने संगठन के तमाम लोग, तमाम पदाधिकारी, सब परिवार, सब लोग आ रहे हैं, वह लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें उनका हम लोग सम्मान करेंगे। काशी विश्वनाथ न्याय से जो अध्यक्ष हैं नागेंद्र पंडित, वह रह रहे हैं और न्याय के वह अन्य दो सदस्यगण हैं और वो लोग भी यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद जो समस्त लोग उपस्थित रहेंगे, राजेंद्र विहार कॉलोनी में सुंदरपुर में एक जगह है राजेंद्र विहार कॉलोनी, उसी के अंदर यहाँ पर जो एक ओंकार भवन है उसके अंदर ही होगा और इसमें लगभग कम से कम 300 लोगों का समारोह होगा। मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी गई है? ये एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं 19 तारीख को हिंदू पक्ष योद्धा का अभिनंदन समारोह, जो कि अपने आदरणीय श्री विष्णु शंकर जैन जी हैं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पे वर्क कर रहे हैं, वो अयोध्या के राम मंदिर को भी उन्होंने मुक्त करा दिया, जिसका भव्य रूप अभी हम लोग स्वरूप देख रहे हैं, तो उन्हीं का हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। इसमें अपने एसोसिएशन के तमाम लोग, तमाम पदाधिकारी, सब परिवार, सब लोग आ रहे हैं। वो यहाँ के बनारस के और चंदौली के जो संस्थाएं हैं वो लोग भी अपना इसमें सम्मिलित हो रहे हैं इस अभिनंदन कार्यक्रम में। ये एक बहुत बड़ा अभिनंदन समारोह हो रहा है जिसमें उनका हम लोग सम्मान करेंगे। काशी विश्वनाथ न्यास से भी कोई आ रहे हैं? जी, काशी विश्वनाथ न्याय से जो अध्यक्ष हैं आदरणीय नागेंद्र पांडे जी, वो रह रहे हैं। वो न्यास के वो अन्य जो सदस्यगण हैं वो लोग भी यहाँ पे रहेंगे, तो धनपाटी जी भी रहेंगे, उसके बाद अपने जो समस्त लोग, समस्त सदस्यगण रहेंगे, चंद्रमौली उपाध्याय जी भी रहेंगे। ये अभिनंदन समारोह कहाँ पर होगा और कितने लोगों का होगा? ये राजेंद्र विहार कॉलोनी में सुंदरपुर में एक जगह है राजेंद्र विहार कॉलोनी, उसी के अंदर यहाँ पे जो है एक ओंकार भवन है, उसके अंदर यह होगा। कितने लोग का? और इसमें लगभग कम से कम 300 लोगों का ये समारोह होगा। अभी वहाँ कुछ करने की इच्छा तो इस समय समस्त लोगों का, अपने यहाँ के उद्यमियों का ये है कि जो आदेश हो वो सब हो, और जो मन में आ रहा है सब करने की इच्छा है, जो कि अभी हम लोग निकट भविष्य में बहुत जल्द उसको करेंगे। और हम लोगों के अंदर एक हर्ष व्याप्त है कि जो 400 साल की गुलामी का प्रतीत बन करके वो ज्ञानवापी का जो दीवाल एक अपमानित महसूस हो रहा है हिंदू, वो जल्द से जल्द उस पर परिवर्तन हो और एक भव्य मंदिर का स्वरूप बन करके खड़ा हो, ये सोच के साथ हम सब लोग यहाँ पे इस समय चल रहे हैं। और ऊपर वाले के भगवान की कृपा है, आशा करते हैं कि बहुत जल्द इसमें सब हम लोगों को सफलता भी मिलेगी।